spirit of the Quran bypasses languages. Quran was sent down. Quran was revealed for the mankind. Never ever forget that. People who fight over history, people who fight over masalik, people who fight over different directions, they should pull up for a minute, pull up handbrakes, and think for a second that if a Chinese wants to understand the message of the Quran, if a Japanese or a German or anybody from outside who has no clue what happened in Karbala, who has no clue what happened 1400 years ago or before that, who has no emotional, sentimental, values attached with any of the, incidents of the history. When they want to understand the message of the Quran, Quran talks to them as Ya Ayyuhan Nas, O mankind. And Quran talks to them in their language. Quran talks to them with logic, not with history, in the present, current day. So we have to understand a lot about the Quran. We have to understand a lot about Allah. We have to understand a lot about this deen. We have to understand a lot about this life. And before doing that, if we go on fighting with each other and trying to prove that my family is better than yours, or my parents, or my maslak is right and yours is wrong, we both are going nowhere. Nobody's going anywhere. We have to come back, put the camera toward ourselves, open the Quran, and what we find there, chapter 3, Surah Ali Imran, ayat 102, Allah is telling us something. Allah is instructing us with an ayat. Allah is teaching us something through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the ayat says, O you who believe, ay iman walo, ay wo logo jinhone kalma padha hai, jinhone kaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ay wo logo jo iman la chuke ho, ya ayyuhal ladina amanu, jo musalman gharon mein paida hue ho ya jo baad mein bhi musalman ho gaye, amanu taqullaha haqqa tuqati, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक होता है। इसका तर्जुमा कर दिया जाता है कि अल्लाह से डरो। अल्लाह डरा नहीं रहे हैं, डराना हो तो जलजले से डरा देंगे, किसी भी चीज़ से डरा देंगे। तकवे का मतलब होता है मोहतात हो जाना, परहेजगार हो जाना कि किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को करना है। जैसे आप खाना पकाते हुए मोहतात होते हैं, हम हमेशा यही मिसाल देते हैं कि बिरयानी बनाते हुए, कोई भी खाना बनाते हुए अगर वो ज्यादा देर दम पे रह गया तो हलवा बन जाएगा। जब दम लगाया तो फोन कॉल आ गई और आप भूल गए कि मैंने खाना दम लगाया हुआ था। प्याज फ्राई कर रहे थे तो बीच में फेवरेट ड्रामा आ गया तो पता लगा प्याज राख हो गए। तो तकवा का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, परहेजगार, मोहतात हो जाना कि यार रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, लॉफुल मुल्कों में, कानून वाले मुल्कों में। हमारे यहाँ तो रेड लाइट पे भी पीछे से हॉर्न आता है कि तोड़ो भाई, देर हो रही है, क्योंकि हम घर से निकले ही लेट थे। तो अब लेट निकले हैं तो रास्ते में पब्लिक को टेंशन देंगे, मुझे जल्दी पहुंचना है, इशारे भी तोड़ेंगे। तो अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है। अल्लाह से कैसे तकवा इख्तियार करें? अल्लाह को जाने, अल्लाह की बात जाने तो तकवा लेना। अल्लाह के नाम से कैसे तकवा लेंगे? अल्लाह के नाम से जैसा हमने तकवा लिया वो तो आप देख लें, पाकिस्तान को देख लें और बाकी मुस्लिम ममालिक को देख लें कि नाम से तो तकवा लिया नहीं हमने। अब अहकामात से तकवा लेने से बात समझ में आती है कि अल्लाह के अहकामात से तकवा लो, क्योंकि अहकामात बताते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। और अल्लाह को अल्लाह के अहकामात से अलग कर देना तबाही है हमारी। अल्लाह से मुझे बड़ी मोहब्बत है लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है उसका समझने का मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे दिल के अंदर है। अरे भाई अल्लाह से तो पूछ लो, अल्लाह आपके साथ है भी कि नहीं। लो क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो, आमनु तकुल्लाह हक्का तुकाते ही, अल्लाह से ऐसे परहेजगार हो जाओ, अल्लाह से ऐसे तकवा लो जैसे तकवा करने का हक है। अब असल बात अब आ रही है, वला तमुतुन्ना, और इस हाल में ना मर जाना, डू नॉट डाई इन अ स्टेट इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, दैट यू हैव बिकम अ मुस्लिम। इस हाल में ना मर जाना कि आप सबमिशन में ना हो, अल्लाह के आगे झुके हुए ना हो उसके अहकामात पर। तो इसलिए मैंने कहा दैट लोगों को हैंड ब्रेक खींच के, जो भी हिस्ट्री पे और मसालिक में लड़ते हैं आपस में,
पहले अल्लाह के साथ ये चेक करना चाहिए कि क्या मुझे मेरा लेटर मिल गया है जन्नत का, क्या मैं अल्लाह की आयत की बाउंड्री में हूँ। तो अल्लाह ने इस आयत में वाजे कर दिया है, वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से तकवा लो जैसे तकवा लेने का हक है, और इस हाल में ना मर जाना कि तुम मुसलमान ना हो। तो इसका मतलब है एक ईमान वाले को जिसने कलमा पढ़ा है कह रहे हैं कि मुसलमान मरना, इसका मतलब है क्या ईमान वाला गैर मुस्लिम भी मर सकता है। तो पता चला कि मुसलमान कोई टाइटल, कोई खून, कोई लाइसेंस, कोई नाम नहीं है, ये किरदार का नाम है। अगर मुसलमान घर में पैदा हो गए तो खुशकिस्मती, लेकिन मरते दम तक उस किरदार को निभाना है, ये अल्लाह कह रहे हैं कि मुस्लिम मरना भाई, कुछ और ना मर जाना। कि पैदा तो मुसलमान घर में हुए थे लेकिन सेक्युलर मर गए, पैदा तो मुसलमान घर में हुए थे लेकिन एथिस्ट मर गए, पैदा तो मुसलमान घर में हुए थे लेकिन अपनी मर्जी करते हुए मर गए, अल्लाह से बगैर ईमान तस्दीक किए ही मर गए, अल्लाह से बगैर सही और गलत समझे ही मर गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि डोंट डाई, इस हाल में ना मर जाना कि तुम मुस्लिम न बन चुके हो। तो मेरे दोस्तों, ये आयत किससे मुखातिब है? शिया से, सुन्नी से, देवबंद से, बरेलवी से, अहले हदीस से, या जो भी हमारे बाकी रिस्पेक्टेड हमारे जो भाई बहन हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मुझसे मुखातिब है, तुमसे नहीं है? क्या अल्लाह ने किसी को ये अथॉरिटी दी है कि वो कहे कि नहीं 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 ये हमें कह रही है, ये तुम्हें नहीं कह रही? क्योंकि अगर अल्लाह किसी एक को कह रहे होते तो अल्लाह लिख देते या यो लदीना आमनू की जगह लिख देते ए सुन्नियो, मैं उस बिल अल्लाह मुझे माफ करे, ए यू नो ये मसलक या वो मसलक। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है वो लोगों जो ईमान लाए हो, और ईमान का मेयार क्या है? आयात ऑफ अल्लाह। तो आ जाओ पहले तो अपना ईमान यहां से चेक करो, पहले ये चेक करो कि हम ईमान वाले भी हैं या नहीं है अल्लाह की नजर में। तो अब मुझे बताएं मैं एक दूसरे को कैसे देखूं, मैं सामने वाले को गलत कैसे देखूंगा जब मुझे अपने ईमान की फिक्र पड़ जाएगी कि यार मेरा अपना ईमान आयात में है भी कि नहीं, क्या कुरान मेरे ईमान की तस्दीक कर भी रहा है कि नहीं। तो ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इसका मतलब है एवरीबडी इज वेलकम, देवबंद, अहले हदीस, ब्रेलवी, शिया, सुन्नी, ये वो जो भी अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातम नबीयीन और कुरान मजीद का मानने वाला है, अहदीस का मानने वाला है, आ जाओ सब आ जाओ। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, सबको अल्लाह ने असेंबली में खड़ा कर लिया, जैसे खाना काबा में सब इकट्ठे खड़े होते हैं। तो अल्लाह का मैसेज आता है कि तकवा लो अल्लाह के अहकाम से, हक के साथ तकवा लो, परहेजगार हो जाओ, और इस हाल में ना मर जाना कि तुम मुसलमान ना बन चुके हो। तो एक बंदा बीच में से कहे कि लेकिन मैं तो उस घराने से हूं, तो फिर हम उसे कहेंगे भाई तू पेंसिल लो और अपने कुरान में मुस्लिमून के आगे अपनी मर्जी का मसलक लिख लो, लिख सकते हो? तो कहेगा नहीं 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 नाउस बिल्ला नाउस बिल्ला, कुरान में कुछ लिखा नहीं जा सकता। तो फिर हम उसे कहेंगे भाई जब लिख नहीं सकते तो बोल कैसे सकते हो? तो इसलिए बजाय आपस में एक दूसरे को गलत कहने के, एक दूसरे के पीछे पड़ने के, एक दूसरे की पकड़ करने के, एक दूसरे की गलती पकड़ने के, एक दूसरे को बुरा भला कहने के, एक दूसरे की जन्नत का मालिक बनने के, एक दूसरे के लिए वो फैसला सुनाने के जो फैसला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, इससे बेहतर यह है कि या अय्युहल लदीना आमनू खुद बन जाएं, अल्लाह से माफी मांग लें, अपने लिए तकवे का एहतमाम करें, फिक्र करें, और कोशिश करें कि इस हाल में ना मरें कि हम मुस्लिम हालत में ना हो, हम मुस्लिम कैरेक्टर के साथ ना हो। और मुस्लिम कैरेक्टर कितना हाई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ऐ हमारे रब हमें अपना मुसलमान, अपनी नज़र में मुस्लिम मान ले। तो मेरी तो औकात नहीं है, तो मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को गैर मुस्लिम या किसी को ये कह सकूं कि तू मुस्लिम नहीं है, तू मोमिन नहीं है। तो क्योंकि मुझे ये अल्लाह ने अथॉरिटी ही नहीं दी है, मुझे ये उसने अलाउ ही नहीं किया है। तो ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि सब के सब रिस्पेक्टेबल हैं जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं, सब के सब के अंदर अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, कोई भी कंप्लीट और परफेक्ट नहीं हो सकता बगैर अल्लाह की मदद के, कोई भी मुकम्मल नहीं हो सकता बगैर अल्लाह के अहकाम के, कोई भी गनी नहीं हो सकता क्योंकि गनी सिर्फ अल्लाह की जात है, और अगर किसी को गनी करना हो तो अल्लाह ही करेगा, आप और मैं खुद गनी नहीं हो सकते। तो बगैर अल्लाह के अहकाम के, बगैर अल्लाह की आयात और इंस्ट्रक्शंस के, ना ईमान है, ना तकवा है, ना मुसलमान है।
इसलिए फोकस को अल्लाह की आयात के ऊपर कर लीजिए और अपने कैमरा कुरान का अपनी तरफ कर लीजिए। आसपास लोग क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके आबाओ अजदाद, उनके बैकग्राउंड्स क्या कहते हैं, आपका आपसे इसका सवाल नहीं होगा। पहले आप खुद अपने आप को इस काबिल कर लें कि आप किसी को एजुकेट कर सकें या किसी के लिए मिसाल बन के दिखा सकें।